हेलो एवरीबॉडी मैं हूं तरुण कपूर वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स सो हमारा जो आज मॉक टेस्ट वन है हम फैमिली लो की नई मॉक टेस्ट सीरीज चलाने जा रहे हैं बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी फॉर द फैमिली लो क्वेश्चंस सो इन दिस सीरीज़ आई विल डिस्कस विद यू वेरी बेसिक क्वेश्चन जो चांसेज हैं ज़्यादा डिटेल में आपको फैमिली लो में जाने की ज़रूरत नहीं है चाहे आप कोई भी एल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ठीक है सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एज प्रिंट्स बाई तरुण कपूर द फेसबुक पेज and uh, you can ask your doubts on the Instagram as imprints and you can also join our telegram group at the rate as imprint is the uh, Twitter handle accounts. So uh, links are given in the description and the comment section. So uh, these are the other playlists and there are some other playlists which are, I have not uh, posted on this uh, basically the window and you can see the other older playlist links in my description box. The question one, द मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन टू हिंदूज इफ़ ए द ब्राइट कंप्लीट द एज ऑफ एटीन ईयर्स एंड द ब्राइट ग्रूम कम्प्लीट द एज ऑफ ट्वेंटी वन कि ब्राइट की जो एज है वो एटीन हो चुकी है ब्राइट ग्रूम की ट्वेंटी वन बी कह रहा है कि ब्राइट की एज ट्वेंटी वन हो चुकी है ब्राइट ग्रूम की एटीन ब्राइट की एज फोटीन ब्राइट ग्रूम की एटीन सी ऑप्शन डी ऑप्शन ब्राइट की एटीन ब्राइट ग्रूम की भी एटीन सो द करेक्ट आंसर इज ए तभी होगी जब ब्राइट की एज एटीन होगी और ट्वेंटी वन होगी हमारे प्राइर ग्रुप की नेक्स्ट इज बायमी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंक्लूड्स ए पॉलीगैमी हैविंग मोर देन वन वाइफ पॉलेंड्री हैविंग मोर देन वन हजबेंड बोथ ए एंड बी डी ओनली बी द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज बोथ ए एन बी बाइगामी दोनों में होगा ना क्योंकि बाइगामी मीन्स मोर है वो हस्बेंड हो चाहे वाइफ हो ठीक है नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट द मैरिज इज टर्म्ड एज कंट्रैक्ट ए सैक्रमेंट बोथ ए एन बी नान ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज सेक्रमेंट ठीक है नेक्स्ट इज इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मुस्लिम वमेन हैंस ए इंदिरा सावाने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बी हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार सी शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा दी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम द दैट विमेन्स हैव राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन वन टू फाइव एक सौ पच्चीस ऑफ सी आर पी सी दिस इज़ ऑलसो इम्पॉर्टेंट द Question 5 is hindi law is personal law criminal law both of the above or none of the above obviously the correct answer is personal law In which landmark case the supreme court held that the second marriage of hindu man is invalid even if he converts to islam before marriage a daniel latifi versus union of india b rupa hurra versus ashok hurra C. Ramchandra Saraswati versus Nina Bajpai. D. Sarla Mudgal versus Union of India. So the correct answer is Sarla Mudgal versus Union of India. A Muslim man under personal law cannot marry a Christian, B. a Jew, C. an adulteress or fire worshipper, while D. is all of the above. The correct answer is C. That is adulteress or fire worshipper. द विच हिंदू लो वॉज अमेंडेड टू गिव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स टू वेमेन्स एंड डॉटर्स इन इंडिया कि कौन सा हिंदू लो को अमेंड किया गया था संशोधन किया गया था ताकि वेमेंस को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएँ ए हिंदू मैरिज एक्ट बी हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सी हिंदू सक्सेशन एक्ट डी ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हुई थी जिसमें बेटियों को गर्ल्स को भी मतलब कि इक्वल राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए देन ओल्ड सोर्स ऑफ हिंदू लो ए कस्टम डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज बी स्मृतिज सी श्रुतिस डी ऑल ऑफ द अबव ऑबियसली द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दनी हिंदू मैरिज विच इज़ नॉट प्रॉपरली सोलमनाइज इट शेल बी A void, voidable, C valid, not determinate. Correct answer is void. So Th these are the ten questions of mock test one. So if you like my questions, please do like, comment, and share my videos to your friends. It will be very useful for your friends and for your LLB entrance. And do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon. I will I will also put similar videos in the future. So thank you so much. Hope to see you in the next session.